subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। लगता है अमेरिका पाकिस्तान के बहकावे में आ गया है। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी पुरानी ही बात को दोहराया है। ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर मामले को लेकर मध्यस्थता करनी है या नहीं, इस बारे में नरेंद्र मोदी को तय करना है। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी इस बारे में बात की है। मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ आना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहता है तो वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अपने इस बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके अलावा कश्मीर मसले पर मध्यस्थता पर जोर देते हुए कहा कि किसी को तो मध्यस्थता करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पाकिस्तान और भारत दोनों से बात की है। India says Kashmir is a bilateral issue between India and Pakistan. Have they accepted the offer or not? Well, that's up to, it's really up to Prime Minister Modi. And I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, But that's been going on, that battle for a long time. Long time. आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जब अमेरिका पहुंचे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था जिस पर विवाद हो गया था। ट्रंप का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. And we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भारत में काफी विवाद हो गया था, जिस पर भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को नकार दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में इस बात का खंडन भी किया था। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अगर आप ट्रंप के दोनों बयानों को देखें तो उनका अभी का बयान उनके पुराने बयान से थोड़ा बहुत अलग है और पुराने बयान को झूठा साबित करता है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि भारत की ओर से रिक्वेस्ट की बात आई है, लेकिन इस बार ट्रंप ने यह कहा है कि अगर पीएम मोदी चाहेंगे तो वे मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद ट्रंप को यह पता नहीं है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला है और भारत इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की एंट्री कभी नहीं चाहेगा, और अमेरिका की तो खास तौर पे नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जहां भी टांग अड़ाया है वहां क्या हुआ है। वैसे आपको बताते चलें कि आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जयशंकर ने कश्मीर मसले पर भी भारत का रुख अमेरिका से साफ करते हुए कह दिया है कि भारत या पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मसला कश्मीर है, अगर कोई बात होगी तो इन्हीं दोनों के बीच होगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।